अगर आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है और करना भी आपने किसी ऐसी कंट्री का है जिसका वर्क परमिट आसानी से मिल जाए, कम पैसों में मिल जाए, और वहाँ पर जाके आप जब अपना वर्क प्रोसीज स्टार्ट करें तो आपको जो सैलरी मिले वो भी आपको अच्छी सैलरी मिले। तो वीडियो को आप एंड तक देखें। पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि हर एक नई अपडेट, नई वीडियो आपको बहुत ही आसानी से और फ्री में मिल जाएगी। तो बात करते हैं हम, आसानी से वीज़ा मिलेगा आपको, कम पैसों में वीज़ा मिलेगा, और सैलरी भी आपको सऊदीया, दुबई, बहरीन के कंपैरिजन में सैलरी भी आपको अच्छी मिलेगी। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कंट्री आपके जहन में आएंगे, जैसे कि मलेशिया है, टर्की है, काफ़ी ज़्यादा कंट्री हैं जिनका वर्क वीज़ा आप लेती हैं तो सैलरी भी आपको अच्छी मिलती है। लेकिन मलेशिया का वीज़ा काफ़ी महंगा मिलता है, सऊदी अरेबिया का वीज़ा भी ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख में आज़ाद वीज़ा मिलता है, दुबई का भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसीज है, अगर आप किसी कंपनी का वीज़ा लेते हैं तो ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख का मिल जाएगा। बहरीन का वीज़ा भी बहुत ही महंगा है, 9-9, 10-10 लाख रुपया लोगों ने पकड़ा है। कुवैत के वीज़े का लोग 40 से 50 लाख रुपया लेती हैं। तो किसी भी मुल्क का आपने वीज़ा लेना है तो ऑलमोस्ट आपका तकरीबन मिनिमम, अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट बताऊं तो 4 से 5 लाख रुपया स्टार्टिंग पॉइंट होगा। पर वहां पर जाके आप इतने पैसे कितनी देर में रिकवर कर सकेंगे ये भी कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन ये जो कंट्री है, इस कंट्री के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये कंट्री फ्यूचर में बहुत ही कमाल का कंट्री होगा। आप इसका वर्क परमिट लेते हैं, अभी से काम करना स्टार्ट करेंगे तो फ्यूचर में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेंगे। दोस्तों, ये कंट्री है कतर। दुबई में के बारे में हर कोई बंदा बात करता है, कतर के बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं करते। कतर के अंदर सैलरी बहुत अच्छी है। कोई भी आपका दोस्त अहबाब कतर के अंदर काम करता है, उससे बात करें, उससे पूछें, वो आपको बताएगा कि दुबई से, सऊदीया से, बहरीन से, ओमान से काफ़ी बेहतर कंट्री कतर है। कतर का जो मुझे सबसे बेनिफिट पॉइंट लगता है वो ये है कि कतर का जो वर्क परमिट है, जो वर्क वीज़ा है, वो बहुत ही कम पैसों में मिल जाता है, बहुत ही कम पैसों में बाकी कंट्री के कंपैरिजन में। और कतर के जो लेबर है, जो लेबर बंदा है जिसके पास लेबर वीज़ा है, उसकी सैलरी भी दुबई के कंपैरिजन में अच्छी होगी। ये आप किसी से भी बात कर ले, वो आपसे यही बात कहेगा, वो यही आपसे जो है वो डिस्कशन करेगा कि कतर बेहतर है दुबई, सऊदीया और बहरीन के वर्क वीज़ों से। तो अगर आप कतर का वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद एक लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह आपने कतर का न्यू वर्क परमिट अप्लाई करना है, कतर के कौन कौन से वर्क परमिट हैं, और कतर का जो वर्क परमिट आपने अप्लाई करना है उसकी क्या फीस होगी, कितने पैसे लगेंगे, सब कुछ आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ज़रूर जो है वो क्लिक करके उस वीडियो को देखिए अगर आप कतर जाने में इंटरेस्टेड हैं। वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।